अस्करी टावर हमला केस में भी चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अटक जाकर बयान कलम बंद करने के लिए अदालत से इजाजत लेगी। सभा के नुमाइंदे जहांगीर खान से जानते हैं। जी जहांगीर बताएं। जी, अस्करी टावर हमला केस पर जो मुकदमा थाना गुलबर्ग में दर्ज किया गया था, उसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की हेड एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश है, और अब ये फैसला किया गया है कि अस्करी टावर केस में भी चेयरमैन पीटीआई को जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया जाएगा, जिसके लिए जीआईटी जो है वो दहशतगर्दी की अदालत से इजाजत तलब करेगी। उसके बाद अटक जेल जाकर चेयरमैन पीटीआई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। इससे पहले थाना सर्वर रोड में जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन पीटीआई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, और अब अस्करी टावर हमला केस में भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए दहशतगर्दी की अदालत से जो है वो इजाजत तलब करके तफ्तीश शुरू की जाएगी। उसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की हेड एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश है, और अब ये फैसला किया गया है कि अस्करी टावर केस में भी चेयरमैन पीटीआई को जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया जाएगा, जिसके लिए जीआईटी जो है वो दहशतगर्दी की अदालत से इजाजत तलब करेगी। उसके बाद अटक जेल जाकर चेयरमैन पीटीआई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। इससे पहले थाना सर्वर रोड में जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन पीटीआई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, और अब अस्करी टावर हमला केस में भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए दहशतगर्दी की अदालत से जो है वो इजाजत तलब करके तफ्तीश शुरू की जाएगी। जी जहांगीर, आपको बहुत शुक्रिया।